सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन साकेत मुक्ति आंदोलन। आज मैं पूरे देश भारत के सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक आर्थिक लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि इस मुद्दे को गर्म बनाए रखें और अपने हकों के लिए अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहें। ये लड़ाई हमारी विरासत बचाने की है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। इस आंदोलन में देश भारत के सभी सामाजिक लोगों ने, धार्मिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने सहयोग करने का मन बनाया है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच पूर्व सांसद राम नरेश कुशवाहा, जो देवरिया के कह सकते हैं कि सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनके पुत्र जो हमारे बीच में बैठे हैं, सुनील कुमार कुशवाहा, जो वर्तमान में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी और उनकी पूरी टीम ने इस आंदोलन का समर्थन किया है और साकेत मुक्ति आंदोलन की टीम ने इनको सर्वसम्मति से संरक्षक पद पर आसीन किया है। वो आज हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूँ पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरे बौद्ध समाज के लोगों ने देख रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे माननीय कुशवाहा जी। बौद्ध विरासत के संबंध में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का स्पष्ट मत है कि अयोध्या पूर्व में साकेत रहा है और उसे साकेत रहना चाहिए। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने सभी साथियों से अनुरोध करता है कि साकेत मुक्ति आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इस आंदोलन को धार देने का काम करेगी और जहां भी जरूरत पड़ेगा साकेत मुक्ति आंदोलन में हम तन मन धन से साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की पूरी टीम इस आंदोलन का साथ दे रही है और मैं तमाम और भी जो संगठन जो समान विचारधारा के देश भारत में चल रहे हैं उनसे अपील करता हूं कि आप सभी लोग हमारे साथ आएं, इस आंदोलन के साथ आएं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है, ये विचारधारा और मान सम्मान की लड़ाई है। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय संविधान। जय श्रमण भारत।